हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं एक सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है अल्फा, जिसकी कहानी इंसान और जानवर की बीच की दोस्ती के बारे में है। कहानी शुरू होते ही हम पुराने समय के धरती को देखते हैं, जो कि हर तरफ खतरों से भरी हुई थी। यहाँ सिर्फ वही जिंदा रह सकता था जो सबसे चालाक और ताकतवर था। अब हम 20,000 साल पहले का यूरोप को देखते हैं, जहाँ पर एक कबीला शिकार कर रहा था और इस कबीला का मुखिया का नाम था ताऊ। ये लोग सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले के साथ शिकार करने के लिए आए हैं, और ताऊ के साथ उसका बेटा केड़ा भी शिकार करने आया था। उनके सामने बहुत बड़ा भैंसों का झुंड होता है और तभी सब मिलके एक साथ भैंसों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब उनका आवाज सुन के सारे भैंस उनके तरफ भागने लगते हैं, इसीलिए उनका रास्ता बदलने कबीले वाले अपना भाला उनकी तरफ फेंकने लगते हैं, जिससे सारे भैंस घूम के जाके खाई में गिरने लगते हैं। तभी उनमें से एक भैंस उनके ऊपर पलट के हमला कर देता है। अब सारे आदमी इधर उधर भाग जाते हैं, पर वो जानवर केड़ा के पीछे पड़ जाता है, इसीलिए केड़ा भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो जंगली भैंसा उसे अपने सींग में फंसा लेता है और खाई की तरफ भागने लगता है। केड़ा के पिता ताऊ ये देख लेते हैं और वो अपने बेटे को बचाने के लिए भैंस के ऊपर भाला फेंकते हैं। हालांकि भैंस को भाला लग जाता है, लेकिन तब तक वो केड़ा को खाई में फेंक देता है। और यहां से कहानी एक हफ्ते पहले की फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम ताऊ के कबीले को दिखाया जाता है। वहीं पर कुछ लड़के पत्थर से हथियार बना रहे थे, जिनमें से सिर्फ दो लड़कों को अच्छे हथियार बनाने के लिए चुना जाता है। उसमें से ताऊ का बेटा केड़ा भी शामिल होता है। अब रात को केड़ा की माँ ताऊ से कहती है कि केड़ा को अपने साथ शिकार पर मत लेके जाओ, अभी भी वो तैयार नहीं हुआ है और मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। अब ताऊ कहता है कि सर्दी आने वाली है और साल के इस वक्त सभी शिकार करने के लिए जाते हैं। अगर हम शिकार करने के लिए नहीं गए तो हम सबको भूखा मरना होगा, और ये सही वक्त है जबकि केड़ा को अपने आप को साबित करना होगा। अगले सुबह सब के सब कबीले वाले यहाँ से शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर सब अपने चाहने वालों से अलविदा लेके अपनी सफर शुरू करते हैं। सब लोग लंबा सफर करने के बाद रात गुजारने एक जगह रुकते हैं, जहाँ पर ताऊ केड़ा को लकड़ी से आग जलाना सिखाता है, पर वो असफल रहता है। इस पे ताऊ उसे धैर्य से काम करने को बोलता है। सुबह होते ही सब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें एक चट्टान से बना समाधि दिखाई देता है, जो उनकी पूर्वज के द्वारा बनाया हुआ था। यहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है, जो इन्हीं की तरह शिकार करने के लिए निकला था। कहीं पे पता चलता है उस कबीले की मुखिया ताऊ का दोस्त होता है और उसका बेटा भी शिकार के समय मर चुका था। अब सब मिलके आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पूर्वजों के द्वारा बनाई गई एक चट्टान का स्टेचू नजर आता है, और इस स्टेचू के मदद से उनको घर का रास्ता पता चलता है। अब आगे बढ़ते ही उन्हें कई खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। अब आगे चलने के बाद इन्हें एक जंगली सुअर दिखता है, जिसे वो लोग भाला से घायल कर देते हैं। तभी ताऊ अपने बेटे केड़ा को उसे मारने को कहता है, पर वो उसे मार नहीं पाता, इसीलिए ताऊ केड़ा के हाथ से खंजर छीनकर जंगली सुअर को खत्म कर देता है। और इसके बाद केड़ा से कहता है कि तुम इतने बुजदिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और उसे बताता है यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं और यही जिंदा रहने का कानून है। अब रात के अंधेरे में सब अपने शिकार को खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है और देखते ही देखते इनमें से एक लड़के को उठाकर अंधेरे में लेके उसे मार देता है। अगली सुबह ताऊ उस लड़के की याद में यहाँ पर एक छोटी सी समाधि बनाता है और शिकार की तलाश में आगे का सफर में निकल पड़ते हैं, जहाँ पर ये लोग जंगल, घाटी, पहाड़ होकर शिकार के तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं। अब रात को सब लोग एक गुफा में आराम करते हैं, जहाँ ताऊ अपने बेटे केड़ा के हाथ में तारों के नक्शे बनाता है और उसे बताता है कि ये नक्शा हमेशा तुम्हें घर का रास्ता दिखाएगा। वहीं पर वो भेड़ियों के झुंड को दिखागे उनके बारे में बताता है और कहता है भेड़ियों के मुखिया को अल्फा कहते हैं, जो कि हमेशा अपने झुंड के आगे रहता है। अब सुबह होते ही सब लोग फिर से शिकार के तलाश में निकल पड़ते हैं, और तभी इन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखने के बाद ताऊ खुश हो जाता है और सब खुद को तैयार करने लगते हैं। सब मिलके उन जंगली भैंसों पर अटैक कर देते हैं, और यहाँ पर वही पल आता है जब एक जंगली भैंस केड़ा को पहाड़ी से फेंक दिया था। हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर केड़ा खाई के नीचे गिर चुका था। ताऊ और कबीले के लोग वहाँ पर भाग के पहुँच जाते हैं और देखते हैं केड़ा एक छोटी सी पत्थर से लटका हुआ था। भी वो अपने बेटे से कहता है कि हिम्मत मत हारना, तभी वो पत्थर टूट जाता है। केड़ा चट्टानों से टकराते हुए एक छोटे से चट्टान में जाके गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देख के केड़ा के पिता उसे बचाने के लिए नीचे जाना चाहते हैं, पर उसके साथ ही उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। अगर ताऊ उसे बचाने गया तो वो भी नहीं बच पाएगा, इसीलिए उसके साथ ही उसे समझाते हैं कि तुम्हारे बेटा अब इस दुनिया में नहीं है
अब हम भी तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं, और हमारी मुखिया होने के कारण तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सब की रक्षा करो और हम सबको घर सुरक्षित पहुंचा सको। अब सब लोग खाई के नीचे आकर भैंस की लाशों से मांस एकठा करने लगते हैं, लेकिन ताऊ पूरी रात खाई के किनारे बैठ के अपने बेटे को आवाज देता रहता है। अगली सुबह तक जब उसका बेटा नहीं उठता, तभी उसके पिता ताऊ केड़ा की याद में वहाँ पर एक छोटी सी समाधि बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद केड़ा के ऊपर एक गिद्ध जाकर बैठ जाता है, पर इससे पहले कि वो उसे खा पता, केड़ा की आँख खुल जाती है और वो गिद्ध को मार के नीचे फेंक देता है। वो अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसीलिए केड़ा चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर उसका पैर जख्मी होने के कारण वो फिसल के लटक जाता है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर भयानक बारिश होने लगता है, जिससे नीचे पानी भरने लगता है। तभी केड़ा का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे पानी में जाकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। केड़ा अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांध देता है और खाई के ऊपर पहुंचता है। पहुंच के देखता है कि उसके समाधि बना हुआ है, और वो समझ जाता है कि उसके पिता और उसके साथी विश्वास कर लिया था कि केड़ा की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद वो कुछ भेड़ियों को देख के वहाँ से भागने लगता है और पूरी रात एक मरे हुए पेड़ के ऊपर बिताता है। अगली सुबह केड़ा पानी पीने के लिए जाता है, तभी उस पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। केड़ा वापस पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले वो पेड़ के ऊपर चढ़ पाता, एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन केड़ा अपने चाकू से उसे जख्मी करके पेड़ के ऊपर चला जाता है। रात भर भेड़ियों उसका नीचे इंतजार करते हैं, पर जब केड़ा सुबह उठता है तो सभी भेड़िए जा चुके थे। वहाँ पर सिर्फ वो जख्मी हुआ भेड़िया पड़ा हुआ था। वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे मार नहीं पाता। अब वो उसकी मुंह को बांधकर उसे उठाकर एक गुफा में ले जाता है, जहाँ पर वो रात को आग जलाने की कोशिश करता है, पर वो थक हार के सो जाता है। इसके बाद अगली सुबह उठकर केड़ा बाहर जाता है और अपने पैर के जख्म को ठीक करने कुछ जड़ी बूटी लाता है। अब केड़ा उस जड़ी बूटी को अपनी पैर में लगता है और जब पानी पीता है तो भेड़िया भी अपने मुंह को खोल लेता है। अब केड़ा उसे पानी देने के लिए जाता है, पर शुरू में वो भेड़िया उसे देखकर गुर्राता है। अब केड़ा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। उसके बाद भेड़िया पानी पी लेता है, ये देख के केड़ा बहुत खुश हो जाता है। साथ ही वो उसे कीड़ा खाने को देता है, जिससे दोनों में अब धीरे धीरे दोस्ती बनना शुरू हो जाता है। जबकि दोनों जख्मी थे, इसीलिए उनकी जख्म भरने तक वही गुफा में रहते हैं और शिकार करके एक साथ खाते हैं। एक रात केड़ा अपने हाथ में बनाया तारों के नक्शे को आसमान के तारों से मिलाता है और अपनी माता पिता और कबीलों को याद करता है। अगले सुबह वो अपने घर के सफर के लिए तैयार हो जाता है और वो भेड़िया को भी अपने घर जाने को कहता है और कहता है कि इससे पहले कि बर्फ पड़े मुझे भी अपने घर पहुंचना होगा। अब केड़ा यहां से निकल जाता है, लेकिन वो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे आता है। हालांकि केड़ा कई बार उसे भगाता है, फिर भी वो उसके पीछे आना नहीं छोड़ता। अब दोनों साथ मिलके अपना पहला शिकार करने की कोशिश करते हैं, पर शिकार में असफल रहते हैं। केड़ा समझ जाता है कि वो भूखा है और वो उसे कीड़े खाने को देता है। इसके बाद दोनों मिलके एक खरगोश का शिकार भी करते हैं, जिसे दोनों मिलकर खाते हैं। रात को आग जलाकर दोनों एक साथ सो जाते हैं और अगली सुबह वो भेड़िया खेड़ा का मुंह चाटकर उसे उठाता है और दोनों मिलके नहाते लगते हैं। ये देख के पता चल चुका था कि अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। वहीं पर वो भेड़िया एक मछली पकड़ता है, उसे खाकर दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। अब केड़ा की लगाव भेड़िया की तरफ बढ़ चुका था, इसीलिए केड़ा उस भेड़िया का नाम अल्फा रख देता है। अभी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। अब दोनों एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। जब रात को दोनों बैठ के खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ और भेड़िए आ जाते हैं। दरअसल वो सब अल्फा का परिवार होते हैं। केड़ा समझ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। अब अल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है और केड़ा अकेला पड़ जाता है। अगली सुबह केड़ा अकेले अपने आगे के सफर पर निकलता है। अब दूसरी तरफ ताओ अपने घर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी को केड़ा की मौत की खबर देता है। इस तरफ बर्फ की तूफान में केड़ा लगातार आगे बढ़ रहा था, तभी वो कुछ भेड़िए को एक मरे हुए शिकार को खाते हुए देखता है। केड़ा अल्फा को पहचान जाता है और वो उसकी तरफ भागने लगता है। तभी बर्फ टूट जाती है और वो बर्फ की झील में गिर जाता है। अल्फा उसे देखकर उसकी मदद करने आता है और बर्फ पर कूदकर बर्फ तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर वो उसे तोड़ नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे बर्फ का परत काफी मोटा था। केड़ा के पास जो चाकू था, वो उससे बर्फ की परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है और अल्फा उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। केड़ा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़े उतार के आग जलाता है और रात को दोनों एक साथ सोते हैं। अगली सुबह जब केड़ा अपने आगे के सफर शुरू करता है,
तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर बो बहुत खुश हो जाता है। पर जब उसके पास भाग के जाता है तो देखता है कि वो आदमी ठंड से जमकर मर चुका था। अब केड़ा उसका धनुष तीर लेकर आगे बढ़ने लगता है और तभी आगे से बर्फ की तूफान को आते हुए देखता है और पीछे से इनके ऊपर लकड़बग्घे हमला कर देते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए बर्फ की तूफान के अंदर चले जाते हैं और अपनी जान बचा के एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं। पर ये गुफा एक शेर की होता है जो केड़ा के ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले वो शेर केड़ा को मार पाता अल्फा उस पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में अल्फा बहुत घायल होने लगता है, तभी केड़ा तीर चला के शेर को मार देता है। इसके बाद अल्फा घायल होके नीचे गिर जाता है तो केड़ा आग जला के उसकी घाव साफ करता है। वो दोनों उसी गुफा में रात गुजारते हैं और केड़ा उसे कहता है कि अब से तुम हम में से एक हो। सुबह होते ही दोनों अपनी सफर में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर ठंड का सामना करते हुए उस स्टेचू तक पहुँच जाते हैं जो उसकी पूर्वजों की याद में बनाई होती है। ये वही स्टेचू होती है जो उनकी घर का रास्ता बताता है। इसे देखकर केड़ा बहुत खुश होता है क्योंकि वो सही रास्ते पर था और वो अपने घर से ज्यादा भी नहीं था। दोनों बर्फीली ठंड में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं जिससे केड़ा खून की उल्टी करने लगता है। पर अब अल्फा भी जख्मी होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है, लेकिन केड़ा उसे अपनी गोद में उठा के आगे बढ़ता है। अब वो कुछ देर चलने के बाद वो भी बर्फ में लेट जाता है। केड़ा बहुत कमजोर होने के कारण वहीं पर सो जाता है और सपने में अपनी माता पिता को देखता है जो केड़ा को लेके बहुत चिंतित होते हैं। लेकिन उसके पिता ताऊ कहता है केड़ा हमारे समझ से ज्यादा ताकतवर है। तभी केड़ा की आंखें खुल जाती है और पूरी हिम्मत के साथ एक बार फिर से अल्फा को अपनी गोद में उठा के आगे बढ़ता है और लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। कुछ देर सफर के बाद उसे अपना कबीला नजर आता है और वो अल्फा को लेकर कबीले तक पहुँच जाता है और वहीं पर लेट जाता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार कोई इंसान किसी भेड़िए को अपने कबीले तक लाया होता है। केड़ा के माता पिता जब केड़ा को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। केड़ा अपने पिता से कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए और इसके बाद दोनों का इलाज होता है। तभी वहाँ पर एक औरत अल्फा के एक छोटे से बच्चे को उठाती है और कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल केड़ा को पता नहीं था कि अल्फा माँ बनने वाली थी और खुशी से केड़ा उसे गले लगाता है। अब कुछ दिनों के बाद अल्फा के बच्चे बड़े हो रहे थे और एक साथ खेल रहे थे। यहाँ पर इंसान भेड़ियों को अपनी परिवार का हिस्सा बना चुके थे और अंत में हमें दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िए एक साथ शिकार पर जा रहे हैं। ये कहानी हमें दोस्ती की सही मतलब सिखाती है और फाइनली ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, दूसरे मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो देखना ना भूलें।